दोस्तों, ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये देखिए तुलसी का पौधा है हमारा, जो कि अभी ठंड में सबके तुलसी के पौधे इस तरह से हो जाते हैं। किसी किसी के पौधे में तो बहुत कम पत्तियां बचती हैं, लेकिन देखिए हमारा जो पौधा है तुलसी का, तुलसी जी का जो पौधा है, वो इस तरीके से जो है छोटे से पॉट में लगा हुआ है। लगभग इसकी हाइट 5 इंच के आसपास है और चौड़ाई होगी वो 6 से 7 इंच के आसपास है। और इसमें आप देखिए तुलसी जी की कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जो सर्दियों के बाद अपने तुलसी के प्लांट की जो है प्रूनिंग करें और कैसे फिर से उसे हरा भरा बनाएं, ताकि इसमें पहले से ज़्यादा जो है नई ब्रांचेस आएं और पहले से ज़्यादा पत्तियां निकलें और आपका जो तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है, साथ में फिर इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना है और उस फर्टिलाइज़र को कैसे हमें देना है, ताकि 1 महीने में जो है हमारा तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा हो जाए। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ में यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग के लिए आपको इस तरह से कटर ले लेना है, जो भी प्रूनिंग के लिए आपके पास हो आप उससे प्रूनिंग कर सकते हैं। बाकी आप कैंची का इस्तेमाल भी प्रूनिंग के लिए कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्रूनिंग इसकी शुरू करेंगे इस तरीके से। आपको जो है ये ऊपर जो इसमें बीज बनते हैं, जो भी हैं, इनको आपको काट देना है। तो जो भी तुलसी में जो ऊपर बीज बनेंगे, हमें उन्हें ऐसे आराम से आप यहाँ से काट दीजिए, इसको टिप से यहाँ से काट दीजिए। कुछ लोग इसे मंजरी भी बोलते हैं, और ऐसे ऐसा कहा जाता है कि मंजरी जब तुलसी के पौधे में निकल आती है तो तुलसी का पौधे की जो है ग्रोथ काफ़ी रुक जाती है। तो इसे जितनी जल्दी हो सके तुलसी से हटा देना चाहिए। और इस पे कई तरह की मान्यताएं भी हैं, जो अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से इसका महत्व जो है मानते हैं, जो कि तुलसी एक हमारे यहाँ धार्मिक पौधा भी है और घर में तुलसी की जो है पूजा भी की जाती है। तो अभी इसकी सारी प्रूनिंग हम कर देंगे, और प्रूनिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको कौन सा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है, वो भी हम आपको अभी इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आपको प्रूनिंग करके दिखा देते हैं, फिर हम आगे जो है बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। लगभग हमारी जो है प्रूनिंग पूरी हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो है हमारा मेन काम जो है शुरू होगा इसके जो है पॉट के अंदर। तो अब हमें पॉट पे ध्यान देना है। तो देखिए अब हम इसकी मिट्टी को कैसे जो है सही से फर्टाइल करेंगे और इसमें फर्टिलाइजर जो है कैसे देंगे, वो हम आपको अब बताएंगे। तो शुरुआत हमें क्या करनी है, देखिए इसमें जो भी, चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो हमारे जो पॉट में जो भी अभी खरपतवार निकल के आई है, हमें पहले तो इसे हटाना है। और देखिए इस तरीके से जो भी अनवांटेड चीज़ हैं आप उन्हें निकाल दें। और अब हम इसकी करने वाले हैं रूट फिलिंग। अब रूट फिलिंग का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से इसकी जो ऊपर की मिट्टी है उसको लूज कर लेना है, और लूज करने के बाद आप देखेंगे कि जो ढीली मिट्टी है इसमें से जो भी खरपतवार है वो भी निकल जाएगी और इसकी हमें फिर रूट दिखने लगेंगी। तो जब रूट दिखने लगेंगी तो हम उन रूटों में हमारा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देंगे। वो कौन सा फर्टिलाइजर है उस पर भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप पूरी मिट्टी को ढीला कर लीजिए, और इस मिट्टी को जो है हम बाहर निकाल लेंगे। अब आपको इसमें जो है रूट दिखने लगी होंगी। देखिए हमारे जो तुलसी के पौधे की हैं वो रूट हमें दिखने लगी हैं। तो अब हमको देखिए रूट कितनी अच्छी हैं। रूट जो हेल्दी रूट की पहचान होती है वो ये होती है कि ये रूट जो है
इस तरीके से जो है वाइट कलर की होंगी, कलरलेस होंगी। ये जो रूट होती है ये हेल्दी रूट कहलाती है। तो इस तरह की रूट को हेल्दी रूट बोलते हैं। जब आपको ये रूट दिखने लगे तो आपको क्या करना है, पहले तो इस तरीके से अच्छे से जितनी भी मिट्टी है उसको निकाल लीजिए ताकि आपकी जो भी सॉइल है वो लूज़ हो जाए अच्छे से। और फिर हम इसमें इसकी जब रूट दिखने लगे हमें अच्छे से, तब हम इसमें देंगे फर्टिलाइज़र। अब हम इसमें जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गोबर की खाद है जो कि लगभग 2 साल पुरानी है। और देखिए बिल्कुल हमने इसको अच्छे से बारीक कर लिया है। अब इसको देना कैसे है, तो हमने जो मिट्टी अभी निकाली है उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से जो है डाल देंगे। लगभग ये हमने एक जो लेयर है वो है गोबर की खाद की बिछा दी है और इसके ऊपर हम अब हल्की सी जो है मिट्टी को भी डाल देंगे इस तरीके से। हमने ऊपर से मिट्टी डाल दी है, ये हमारी जो है रूट फिलिंग हो गई है। और अब हमारा जो है तुलसी का पौधा 1 महीने में ही पूरा ग्रीन हो जाएगा और उसकी जो भी पत्तियां हैं झड़ी हैं वो फिर से आ जाएंगी और अब जो पत्तियां आएंगी वो काफ़ी अच्छी और ग्रीन आएंगी। तो अभी आप देखिए ये इस तरीके से जो है अभी आपको ये दिखने लगा है। आप देखिए अभी कितना अच्छा हमको प्लांट दिख रहा है। और इसमें अब मैं आपको इसका अपडेट रिजल्ट भी बताऊंगा। बाकी अभी जब कुछ लोगों कहाँ अभी भी सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, सर्दी जब फरवरी का महीना आता है तो रातें अभी भी सर्द होती हैं, कहीं कहीं टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, अपने तुलसी के पौधे में ऊपर से एक पॉलीथीन से कवर कर देना है। पॉलीथीन से इसको रात में कवर कर दीजिए, दिन में आप पॉलीथीन को निकाल दीजिए या फिर इसे आप किसी अपने रूम में अंदर रख लीजिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ खिड़की से लाइट आता हो और ये खिड़की के अंदर हो, तो आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल नहीं सूखेगा और हरा भरा बना रहेगा। तो अगर किसी को तुलसी के पौधे को सूखने की समस्या है तो वो अपने पौधे में क्या करें, पन्नी से ढक दें। अगर पन्नी से नहीं ढक सकते तो अपने घर के अंदर रख लें और ऐसी जगह रखें जहाँ पे जो है सनलाइट आती हो, या फिर सुबह उठाकर इसे धूप में रख देंगे तो आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा रहेगा। साथ में एक बात का ध्यान रखें कि ठंड में इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना दें। अगर आप तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाते हैं तो थोड़ी कम मात्रा में चढ़ाएं और 2-3 पौधे अलग अलग लगा लें, ताकि आप अलग अलग पौधे पर जल चढ़ाएंगे तो एक ही पौधे पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा, जिससे आपका जो है तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। साथ में तुलसी को बीज से कैसे ग्रो करना है इसका भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें इस तरह से और भी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।